इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि अब हमारा देश कुछ ज्यादा ही तेजी से तरक्की कर रहा है। जी हाँ, जहां पर गाना बजाना चाहिए वहां पर तो गाना नहीं बजाया जाता, और जहां पर गाना नहीं बजाना चाहिए वहां पर डीजे लगाकर गाना बजाया जा रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों, अभी इस टाइप का एक वीडियो बनारस से काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर शव यात्रा के अंदर भी डीजे में गाना बजाया जा रहा था और लोग पीछे नाचते हुए जा रहे थे। और दोनों वीडियो में इत्तफाक की बात तो ये है कि पहले वाले वीडियो में भी खेसारी लाल यादव का कोका कोला गाना बजाया जा रहा था, और दूसरे वाले वीडियो में भी खेसारी लाल यादव का वही सेम गाना कोका कोला ही बजाया जा रहा है। मुझे तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि इन लोगों का कोई नियम हो सकता है कि जब बुजुर्ग व्यक्ति मरते हैं तो उनको डीजे से अंतिम विदाई दी जाए। क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था तो मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि क्या कहीं का ये नियम है कि बुजुर्ग व्यक्तियों के मरने के बाद डीजे से उनकी विदाई की जाए, तो काफी भाइयों द्वारा यही कॉमेंट आया था कि जी हाँ भाई, जब लोग 100 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनकी अंतिम विदाई के लिए डीजे वगैरह बजाए जाते हैं। तो दोस्तों कहां तक ये बात सही है, कहां तक ये बात गलत है, उसके बारे में आप हमको कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आप एक बात हमको जरूर बताइएगा कि क्या सच में जब लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर हो जाती है तो वहां पर उनकी अंतिम विदाई डीजे वगैरह बजा कर दी जाती है।